इंजीनियर्स, अगर आप चाहते हैं इन टॉप 10 कंपनीज में प्लेसमेंट लेना और चाहते हैं अपनी स्किल्स को ग्रो करके, एनहेंस करके एक अच्छे जॉब पोस्ट पर जाना और इंडस्ट्री पे ग्रो करते हुए अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेकर जाना, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर आकाश बोर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, टॉप 10 कंपनीज के बारे में हम जानने वाले हैं और जो टॉप 10 कंपनीज हमारे इंडिया की है उस पर किस तरह से क्या जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक सिविल इंजीनियर की, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो कंपनी डिमांड करती है, जो मैंने पूरा सर्च आउट करके अलग अलग टॉप कंपनीज का आपके लिए लेकर आए, उस बारे में आज आप डिटेल पर जानकारी लेने वाले हैं। उनकी सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं इन टॉप 10 कंपनीज में, इसके बारे में आज हम वीडियो में जानेंगे डिटेल पे। और उसी के साथ साथ ये चीजें जो स्किल्स है अगर आपके अंदर नहीं है तो वो कैसे सीख सकते हैं आप ये सारी स्किल्स, ताकि आपकी जो प्लेसमेंट है, जो जॉब है अच्छी कंपनीज में लग पाए। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा मेन थीम है टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया फॉर सिविल इंजीनियर्स। कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज और कैसे हमें वहां तक रीच आउट करना है। तो टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में सबसे पहला आता है लार्सन एंड टोब्रो ग्रुप, LNT, जो कि मोस्ट फेमस कंपनी हमारे इंडिया की। नेक्स्ट जो सेकंड कंपनी की मैं बात करता हूं, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। थर्ड कंपनी की हम बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। नेक्स्ट फोर्थ कंपनी JP ग्रुप कंपनी, जो कि जयप्रकाश एसोसिएट्स एंड लिमिटेड्स के नाम पर है। नेक्स्ट फिफ्थ पंच लॉयड हमारी एक और नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, टॉप फिफ्थ रैंक पे। नेक्स्ट आता है SR ग्रुप, SR ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनीज की, दैट इज गैमॉन इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC। नेक्स्ट जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है IVRCL इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड। और टेंथ और लास्ट टॉप कंपनी है हमारी KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। ये टॉप 10 कंपनीज है हमारे इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में रेप्यूटेड पोस्ट पर होल्डेड है। अगर आपको इन कंपनीज के बारे में और डिटेल पर जानकारी चाहिए तो मैं आगे आने वाले वीडियोज में हर एक कंपनी के प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि डिटेल पर आप इन कंपनीज के बारे में जान सके। अब बात करते हैं कि जो कंपनीज है टॉप 10 कंपनीज, आपकी जरूर ड्रीम होगी इन कंपनीज में जॉब पाना, लेकिन इन कंपनीज के लिए क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिमांड करते हैं उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए इस टॉप 10 कंपनीज के बाद हम चलते और समझते हैं कि क्या जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरी की पूरी टॉप 10 कंपनीज की, जिसके थ्रू आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए इन कंपनीज में आप एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक सिविल इंजीनियर की, वो डिपेंड करती है वर्क टू वर्क। हर एक कंपनी के हर एक डेजिग्नेशन का वर्क टू वर्क डिपेंड करेगा कि आपकी जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। लेकिन कुछ कॉमन जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो कि मैंने इन कंपनीज की जितनी भी पोस्ट है उस पोस्ट को रीड आउट करते हुए, उनके जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए कुछ कॉमन जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकाली हैं, जो आपके लिए समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूं डेवलपिंग डिटेल डिजाइन, ये आपको आना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छे से। डिटेल डिजाइन डेवलप करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है असेसमेंट्स एंड साइट इंस्पेक्शन, साइट पे जो असेसमेंट्स है और साइट का जो इंस्पेक्शन, कि समझ लीजिए पूरा साइट डिटेल, साइट वर्क, साइट विजिट्स, ये आपको डिटेल पर आना चाहिए। नेक्स्ट जो इनकी रिस्पांसिबिलिटी है एस्टीमेट्स फॉर प्रोजेक्ट्स, आपको प्रोजेक्ट्स के एस्टीमेट्स बनाने आने चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं एस्टीमेट्स की, तो एस्टीमेट्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, क्वांटिटी कैलकुलेट करना, रेट एनालिसिस कैलकुलेट करना, BBS बनाना, बार बैंडिंग शेड्यूल, उसी से ही पूरे प्रोजेक्ट का एस्टीमेट निकलता है। BBS आपके स्टील कैलकुलेशन के लिए काम आता है। नेक्स्ट हम बात करें गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब कि जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर हम बात करें जितने भी स्टैंडर्ड्स की, जितने भी सेंट्रल के नॉर्म्स की या फिर स्टेट के नॉर्म्स की, सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसके हेल्प से आप जो भी कंपनी के वर्क हैं, जो भी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करेंगे। क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेती है, तो गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म, इंडियन स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूँ, CPWD नॉर्म्स की बात करूँ, स्टेट PWD नॉर्म्स की बात करूँ, सारे स्टैंडर्ड्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, मॉनिटरिंग सेफ्टी एंड प्रोसीजर्स, मॉनिटरिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स जो कि
आपकी साइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो भी सेफ्टी है उसको आपको प्रॉपरली मॉनिटर करना है आपके साइट पे, ये आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैंडिडेट होने चाहिए एक कंपनी के लिए, कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है आप उसको कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हो और कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस को आगे लेकर जा रहे हैं। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखती है। आगे हम बात करें डीलिंग विद क्लाइंट्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, आपकी डीलिंग टेक्निक, डीलिंग कैपेसिटी कैसी है आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ताकि आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बनी रहे, कितने अच्छे से आप काम करवा सकते हैं, डील कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं अपने पूरे के पूरे साइट का, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का किस तरह से आप एनालिसिस करते हैं, कैसे उसे मैनेज करते हैं, कैसे रन करवाते हैं, कैसे ड्यूली अप्रूव करवाते हैं, टाइम पर सारी चीज़ें फिनिश करवाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ड्यूटीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें सॉफ्टवेयर स्किल्स टू डिजाइन एंड प्लान, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉफ्टवेयर में आप कितने एफिशिएंट हैं, कितने फ्लुएंटली आप काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, वो सारी चीज़ें आपको जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके हेल्प से जो आपकी स्किल्स है वो ज़्यादा ग्रो होती है, क्योंकि डिजाइन एंड प्लानिंग के लिए वो किसी और को नहीं रखना चाहेगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स आती है तो ऑब्वियस ही बात है वो जो दूसरे को रख के सैलरी देगा उसमें आपको भी इंक्रीमेंट मिल सकता है, अगर आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे से आती है तो। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं हेल्थ एंड सेफ्टी एट साइट की, जो सेफ्टी और हेल्थ है उसको आपको मेंटेन प्रॉपरली करवाना है, सेफ्टी के साथ काम करवाना है, सेफ्टी मेजर्स करवाने हैं, आपको सेफ्टी के बारे में सारी चीज़ें डिटेल मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जब कंपनीज काम करती है तो सेफ्टी मेजर्स जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करना है बिफोर कंस्ट्रक्शन और उसके बाद उसके साथ साथ उसका शेड्यूल बनाते हुए उसको टारगेट करना है, उसके साथ साथ आगे बढ़ना है कि कैसे आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग संभाल सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती है स्किल्स कंपनीज को। मेंटेनिंग डेली रिपोर्ट्स एंड बिल्स, जो आपका DPR जिसको हम कहते हैं, डेली रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, बिल्स बनाने होते हैं, ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं वो कंपनीज देखती हैं। उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में इस तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलती है जो वो आपसे डिमांड करती है। अगर आप इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे तभी ये कंपनीज आपको अपॉइंट करती हैं, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या आप इंप्लॉयज को हायर करते हो, तो अगर क्या आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, तो क्या आप वैसे ही इंप्लॉय नहीं देखेंगे जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब नेक्स्ट बात आता है कि और कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपनी डिमांड करती है कि इंजीनियर से, आइए हम चलते हैं और उनको जानते हैं। अदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज, क्या क्या और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, जो मेन रिक्वायरमेंट है बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर डिप्लोमा वालों की भी वैकेंसीज निकलती है तो डिप्लोमा भी अलाउड रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बैचलर्स डिग्री मांगते हैं कंपनीज। नेक्स्ट हम बात करें रजिस्ट्रेशन लाइसेंसियर एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर मे बी रिक्वायर्ड। बहुत सारे जगह पर क्या होता है, आपका जो लाइसेंस है, अगर हम बात करें कुछ स्टार्टअप फॉर्म्स की या खुद का भी स्टार्टअप करते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी बनवाना होता है। नेक्स्ट हम बात करें मिनिमम 3 to 5 years इंडस्ट्री नॉलेज में भी स्ट्रांगली डिजायर्ड, मतलब कि कंपनीज देखती हैं मिनिमम 3 to 5 years का एक्सपीरियंस जो भी जॉब पोस्ट और वैकेंसी वो डालती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है फ्रेशर्स के लिए कि उनका जो कहना है, जैसे कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा है कि सर जो फ्रेशर्स को कैसे जॉब मिलेगी अगर कंपनी फ्रेशर्स को मौका ही नहीं देगी सीखने का, तो वो किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको उठाना होगा अपने कॉलेज लाइफ से ही कि जो आपकी ट्रेनिंग्स होती है वहां आप कैसा अपने स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, कैसा चीजों को आगे लेकर जाते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आप सिविल गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स इंजीनियर्स के साथ, ताकि वो भी इन सारी चीजों को समझ सकें, टॉप 10 कंपनीज के बारे में जानकारी ले सके और अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है। तो आगे चलते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। फैमिलियरिटी विद डिजाइन सॉफ्टवेयर सच एज AutoCAD, MSP, Primavera, Excel, ये सारी चीजें
कंपनीज की बेसिक रिक्वायरमेंट में आजकल एड ऑन हो चुकी है कि अगर क्या आप सॉफ्टवेयर के साथ प्रोफिशिएंट हैं कि भी नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर्स कितने अच्छे वे में आते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम भी ऑटोकैड, एमएसपी हो गया, प्राइमावेरा, एक्सेल पे आप रिपोर्टिंग यानी कि डीपीआर किस तरह से बनाते हैं, सारी चीजें आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाती हैं जो कि कंपनी की एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करें स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स विद एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। वो इंटरव्यू पर ये चेक करते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन स्किल्स है, एक इंजीनियर मतलब क्या, उसका कैलकुलेशन सटीक होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट कैलकुलेशन होना चाहिए। उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो साइट को कैसे विथहोल्ड करके रख सकता है। ये सारी चीजें देखती हैं एक कंपनी एक इंजीनियर पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू इंश्योर प्रोजेक्ट डेडलाइंस आर मेट। जो प्रोजेक्ट की डेडलाइंस है क्या वो टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें कंपनीज चेक करती हैं आपके साथ इंटरव्यू पे। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं लीडरशिप स्किल्स टू एफिशिएंटली मैनेज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल, कि जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज है, लीडरशिप स्किल्स है, वो उसको आप किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको साइट पर ऐसे बहुत सारे बार केसेस आते हैं कि आपको अपने सीनियर को हैंडल करना पड़ता है, अपने जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो उनको हैंडल करना पड़ता है, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मोर देन वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट। कंपनीज ये देखती हैं कि अगर वो इंजीनियर हायर कर रहे हैं तो काम को सुपरवाइज यानी कि मेन समझ लीजिए, काम को सुपरवाइज करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ाना प्रोजेक्ट को, तो आप एक टाइम पे कितने मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं या देख सकते हैं, कंपनी ये सारी चीजें आपसे डिमांड करती हैं। तो ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, अगर आप इन्हें फुलफिल करते हैं तो ही वो जॉब देगी। आप अगर घर बैठे ये सोचेंगे कि मैं बिना स्किल्स के या बिना किसी चीज की ट्रेनिंग के यहां पर पहुंच जाऊं, तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ परसेंट लोग पहुंच जाते होंगे, लेकिन सबका पहुंचना मुश्किल है और सब पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि उन्हें जो स्किल्स चाहिए है, उनकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, वो आप उन्हें नहीं प्रोवाइड करते। तो आप खोजिए, देखिए कि कहां ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं, कहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहां पर आपको इतना सारा नॉलेज मिलेगा कि आप एक कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाए तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर पाए। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि इनकी जो सैलरीज हैं वो किस तरह से होती है। कॉमन डाटा मैंने इंटरनेट से निकाला हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटिव सैलरीज फॉर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल अक्रॉस कंपनीज, जो कुछ एक मैंने डाटा निकाला है। एलएनटी अगर मैं बताऊं, एवरेज एक्सपीरियंस, देखिए कंपनी एक्सपीरियंस तो डिमांड करेगी ही, इस चीज को आप जितना जल्दी और जितना अच्छे से समझ लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरेज एक्सपीरियंस है 2.4 इयर्स का, और जो एवरेज सैलरी पैकेज है एक सिविल इंजीनियर का, दैट इज 4.8 लाख। ये जो प्रॉपरली पूरी की पूरी थीम है, पूरा का पूरा रिपोर्ट है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं प्रॉपरली कि जो भी कंपनीज है यहाँ पर, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, शाहपुर जी पालोन जी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया, ये सारे की सारी, शोभा डेवलपर्स, ये सारी की सारी कंपनीज की जो एवरेज एक्सपीरियंस है वो 2 या 2.5 साल से ऊपर ही है। तो इसका मतलब जो कंपनीज देखती हैं, टॉप कंपनीज, वो एक्सपीरियंस इंजीनियर्स ही देखती हैं। अगर आपको चीजों को सीखना है तो आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। आप घर बैठे कोई भी चीजें नहीं सीख सकते, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, अपने स्किल्स को ग्रो करना ही होगा। यहां पर हम एवरेज सैलरी पैकेज की बात करते हैं तो नियर अराउंड 3 लाख टू 4 लाख का एवरेज सैलरी पैकेजेस हैं इन कंपनीज में, अगर आपको एज एन 2 इयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये सोचिए कि एज अ फ्रेशर आपको जहां पर भी जिस भी तरह से अपनी स्किल्स को ग्रो करने का मौका मिले और जहां पर अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिले उस कंपनी में जरूर ज्वाइन करें। स्टार्टिंग के वक्त पैकेज को मत माइंड पे रखिए कि यार ये मेरा पैकेज है, मुझे कम मिलेगा तो उतने में मैं जॉब नहीं करूंगा। एक बार शुरुआत तो करके देखिए, भले ही स्टार्ट जरूर धीरे होगा, लेकिन अगर आप स्किल्स ग्रो करते हैं, खुद को एनहेंस करते हैं स्किल्स के साथ, तो जरूर आपकी जो जॉब है, जो पोस्ट है, उसमें इंक्रीमेंट जरूर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ जो हमने शेयर किया, वो सारी चीजें आप कैसे सीख सकते हैं, कहां से आपको सारी चीजें सीखने मिलेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता आप बिल्कुल मत करिए सिविल गुरुजी के साथ ट्रेनिंग,
अब जहां से भी ट्रेनिंग करें इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको बेस्ट लगता है, आपको बेटर लगता है, आपकी स्किल्स को ग्रो करने के लिए आपको अच्छा लगता है कि मुझे यहां से सीखना चाहिए, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, अब वहां से ट्रेनिंग करिए। और जो आप हमारे साथ सीख सकते हैं सिविल गुरु जी के साथ, दैट इज आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, डिटेल एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग विद BOQ, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट, डिटेल्स जो आपको सीखने को मिलेगा दैट इज आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग विद कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिटेल एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग विद BOQ, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग आपको सीखने को मिलेगा, एग्जैक्ट क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट, हम बात करें डिटेल स्टील कैलकुलेशन दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल, पूरा स्टील कैलकुलेशन एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट का सीखने का आपको मिलेगा डिटेल पे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं स्लैब रेट बिलिंग एंड आइटम रेट बिलिंग आपको सीखने को मिलेगा, रिकंसिलेशन एंड प्राइस एस्केलेशन ये आपके लिए न्यू टर्म्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल पर सीखने को मिलेंगी, DPR डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक एक दिन का प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर आप एक कंपनी का निकाल के देंगे तो आपकी ग्रोथ जरूर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, पूरी की पूरी 10 चीजें प्रॉपरली ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एंड सॉफ्टवेयर आपको सिविल गुरु जी के साथ ट्रेनिंग करने को मिलता है, सारी चीजें सीखने को मिलती है डिटेल पर। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें सीखना तो आप सीख सकते हैं सिविल गुरु जी के साथ, उसके गुरु जी का खजाना एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में 2 कोर्स है हमारे जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं, इन दोनों कोर्सेज में जो डिफरेंस है गुरु जी के खजाने में कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग आपको मिलता है एज वेल एज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में सारी चीजें मिलती है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग को छोड़ के। तो ये जो ऑफर अवेलेबिलिटी है जो लेकर आया सिविल गुरु जी आपके लिए दोनों कोर्सेज के लिए दैट इज जस्ट फॉर फर्स्ट 100 इंजीनियर्स ओनली, पहले 100 इंजीनियर्स के लिए ये सारे कोर्सेज के ऑफर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको कॉल करना है 9111001234 पर, आप कॉल कर सकते हैं, काउंसलर से बात करिए, उनसे पूछिए, अगर आपको कोर्स नहीं भी लेना है काउंसलर से बात करके पूछिए कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इन कोर्सेज के साथ ट्रेनिंग करके। फ्री डेमोज देखिए वेबसाइट पर www.civilguruji.com, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारा सिविल गुरुजी एप्लीकेशन और वहां जाकर सारी चीजें देख सकते हैं, फ्री डेमोज वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, सारी चीजें देखिए सीखिए और पूछिए कि आपको क्या चीजें सीखनी चाहिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है काउंसलर को कॉल करिए, कॉल करके उनसे पूछिए कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं सिविल गुरुजी के साथ या फिर किसी भी जगह, कैसे आप चीजों से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो बिल्कुल कॉल करिए, काउंसलर से बात करिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कंपनीज के डिटेल्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।